दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एयरटेल एप्लीकेशन में यूपीआई को कैसे लिंक किया जाता है, यानी कि यूपीआई के माध्यम से आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं, किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एयरटेल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अगर आपका एयरटेल एप्लीकेशन नहीं है आपके फ़ोन में तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर जब होम पेज पर आ जाएंगे, होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन खुलेगा बैंकिंग का, नीचे में सर्विस के बगल में है, नीचे में बैंकिंग का। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे वॉलेट में 20 रुपये पड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा भीम UPI। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेंड SMS पे क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद आपका जो भी बैंक में लिंक है मोबाइल नंबर उस पर आप क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद आपके सामने में SMS वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो कि आपके यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस वेरीफाई हो रहा है। ओके पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका QR कोड मिल जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप चेक बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन जैसे फ़ोन पे, गूगल पे में अगर UPI लिंक किया है तो आपको UPI पिन जो है वही यहाँ पे काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करके चेक बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी को भी आप पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या स्कैन करके आप ये पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है स्कैन एंड पे का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप बहुत ही आसानी तरीके से पे कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पे मनी पे जब आप क्लिक करेंगे किसी को भी मनी आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, जैसे कि UPI ID के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे सेल पे भी क्लिक करके मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ही बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बैंक है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, री अकाउंट नंबर, उसके बाद उनका नाम, ये आप कर सकते हैं मनी ट्रांसफ़र यहाँ से। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए बैक करते हैं, UPI ID के थ्रू आप यहाँ पे भी यहाँ पे क्लिक करके UPI ID इंटर करके आप यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्यू बैलेंस, यहाँ पे चेक कर सकते हैं एड अनदर बैंक अकाउंट, यहाँ आप और भी बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तो अगर आप दूसरा बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे तो इसमें से उसमें आप पैसा भेज सकेंगे, जो भी बैंक अकाउंट लिंक करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे कुछ इस तरह से देख सकते हैं इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद अगर आपको ट्रांजैक्शन देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी अभी ट्रांजैक्शन नहीं है, इसीलिए अभी नहीं दिखा रहा है। तो चलिए हम आपको एक दिखाते हैं मनी ट्रांसफ़र करके। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे पे मनी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हम UPI ID के थ्रू मनी ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हम UPI ID के थ्रू यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप UPI ID इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा जिनका भी अकाउंट नाम है वो आ जाएगा। उसके बाद कितना रुपया आप भेजना चाहते हैं वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना UPI ID इंटर करेंगे, उसके बाद राइट वाले निशान पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा पेमेंट जो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर ID भी यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं, किसी को भी शेयर भी कर सकते हैं पेमेंट डिटेल्स। देख सकते हैं आपका ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने 10 रुपया अभी तुरंत भेजे हैं। तो इस तरह से एयरटेल एप्लीकेशन में UPI को लिंक करके आप किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी जानकारी अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा।